सो हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट के साथ नवंबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और आज द हिंदू न्यूज़पेपर से संबंधित कुछ प्रमुख आर्टिकल्स पर हम सभी डिस्कशन करेंगे और वे आर्टिकल कुछ इस प्रकार से होंगे कि जिनमें हमारा पहला आर्टिकल यानी कि जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल होगा वो बेसिकली जीएसटी जिसपे हर दिन कहीं कहीं आर्टिकल्स आते हैं, तो इसके बेसिक और की हाईलाइट्स को सभी लोग जानते रहेंगे। साथ ही साथ एलएसी पे पहले पेज पर आर्टिकल आया हुआ है और एलमोनी गाइडलाइंस जो है बेसिकली जो है कल भी ये न्यूज़ में बना हुआ था और आज भी आया हुआ था, इस पर हम लोग थोड़ा सा इसकी अदर आस्पेक्ट को भी समझेंगे और फाइनली आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को देखते हुए इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें यदि उन सभी आर्टिकल्स में पहले आर्टिकल की, तो जो हमारा आज का पहला आर्टिकल है वो बेसिकली है इंडिया वॉन्ट एक्सेप्ट शिफ्टिंग ऑफ एलएसी सीडीएस, जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा हुआ है कि इंडिया को ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा कि अब वो एलएसी शिफ्ट होवे। अर्थात बात करें यदि पिछले जो भी डिस्प्यूट चल रहे थे, पिछले जो भी इंडिया और चाइना के बीच लगातार डिस्प्यूट बने हुए हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा बॉर्डर्स पे हालात अच्छे नहीं है। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें तो इस लाइन से बिल्कुल भी हटने को भारतीय सेना तैयार नहीं है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो चाइना की जो पॉलिसी एक्सपेंशनिज्म की यानी विस्तारवाद की जो इसकी नीति है वो संतुष्ट होने वाली नहीं है, वो लगातार बढ़ती जाती है, वो लगातार क्लेम अपना करता जाता है। अर्थात इसको यदि हम एक मैप के माध्यम से समझें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आपका बेसिकली आपका ये जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे आपका POK है, आप देख पा रहे होंगे POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित और बाल्टिस्तान पे यहाँ पे लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। और साथ ही साथ ये आपका अक्साई चीन है, अक्साई चीन मतलब ऑक्युपाइड बाई चाइना यानी कि LAC, ये लाइन जो है आपकी है LAC यानी जो इसके थोड़ा सा बेसिक जो की हाईलाइट्स है उसको समझते रहिए, ये आपका LAC है। लेकिन चाइना का जो क्लेम है अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये आपका जब से मतलब कि यूनियन टेरिटरी बना हुआ है लद्दाख, तो ये अब लद्दाख के क्षेत्र में आता है। किस में आता है? लद्दाख के क्षेत्र में। तो जो भी ऑक्युपाइड किया गया, जैसे कि POK का हम लोग जानते हैं कि जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो उसको हम लोग POK कहते हैं। तो जो मतलब कि क्षेत्र मतलब चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड है, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर हम लोग नहीं कहते हैं, हम लोग वहाँ पर बेसिकली अगर बोलेंगे तो चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख, क्या बोलेंगे? चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख, क्योंकि अब ये क्षेत्र किस में आता है? लद्दाख के क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। अब बात करें यदि इसके बेसिक एस्पेक्ट की, तो देखिए अगर हम माने जो जॉनसन रेखा है वो बेसिकली ये रेखा है, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली जॉनसन रेखा। अब दूसरे अगर एस्पेक्ट की बात करें तो उसमें क्या हम लोग जानते हैं कि चाइना लगातार पहले यहाँ तक क्लेम करता था, यहाँ तक क्लेम किया, इसको हम लोग मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन, इसको क्या बोलते हैं? मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन, इसको बोलते हैं। यहाँ तक क्लेम किया, उसके बाद वो धीरे धीरे अपना डिस्प्यूट क्या कि अपना क्लेम बढ़ाते बढ़ाते अब वो यहाँ तक आ चुका है और अब इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल। चूँकि POK और LAC में अंतर सिर्फ इतना है कि जो POK है वहाँ पे बिल्कुल फेंसिंग की गई है तारों से कि हाँ फिक्स है कि यहाँ से इधर पाकिस्तान इधर हिंदुस्तान, लेकिन LAC पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ पे फिक्स नहीं है कोई तार, कोई फेंसिंग नहीं है, इधर आपका इंडिया है और इधर आपका चाइना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, इसलिए लगातार वहाँ पे डिस्प्यूट बॉर्डर्स को लेके होते रहते हैं और चाइना लगातार अपना प्रेजेंस जो है इंक्रीज करता हुआ रहता है, लगातार अपना प्रेजेंस क्या करता रहता है? इंक्रीज करता रहता है। तो इसी क्रम में अगर बात करें तो यहाँ से बेसिकली जो मैकमोहन लाइन आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ से चाइना का क्लेम बढ़ते बढ़ते अक्साई इस पूरे क्षेत्र को, जहाँ तक पूरे इसमें चाइना का जहाँ मतलब दबदबा है या फिर एक तरफ का कब्जा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अक्साई चीन, क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। तो वहाँ से उसका प्रेजेंस बढ़ते बढ़ते देखिए अभी LAC तक आ गया है। पिछले दिनों हम लोग जानते हैं लगातार मतलब कि गलवान वैली जो यहाँ पे लगातार बवाल हुए, फिर आगे प्रेजेंस इंक्रीज कर रहा था। तो इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए जो हमारे CDS बिपिन रावत ने ये कहा हुआ है कि हम बिल्कुल LAC से पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे चाइना जो भी मतलब कि अपनी एक्टिविटी दिखाए, अब हम बिल्कुल LAC से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इस रीजन की बात करें तो ये अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा इसको भी आप सब लोग ध्यान में रखेंगे। एरिया सेडेड टू चाइना फ्रॉम पाकिस्तान, ये जो सक्सगम वैली क्या है? सक्सगम वैली है। यहाँ पे जो है बेसिकली पाकिस्तान ने क्या किया था? चाइना को ये क्षेत्र दे दिया था, सक्सगम वैली को पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, जिसपे आप लोग बहुत मतलब कि स्ट्रेटजिकल ये प्लेस था, लेकिन क्या किया जाए, पाकिस्तान उसके हाथ की कठपुतली है, ये भी हम लोग नकार नहीं कर सकते इस बात से। अब बात करें यदि नेक्स्ट एस्पेक्ट की, तो इसी मैप को ध्यान में रखते हुए CDS ने ये कहा है कि बिल्कुल अब LAC से पीछे हटने वाले नहीं। थोड़ा सा मैप का जो ओवरव्यू है वो आपको याद होना चाहिए, कहाँ क्या क्या सिस्टम है। फ्रेंड्स, बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की,
तो इस आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे कि जो फाइनेंस पैनल वॉल्स ऑफ राइजिंग जीएसटी ड्यूज फॉर स्टेट, तो जीएसटी का ड्यूज जो है बेसिकली अगर हम बात करें इस पर हमने पिछले दिनों सेशन में फुल डिस्कशन इस पर किया था और उम्मीद है कि आपको वो समझ में भी आया होगा, उसके थोड़े मोड़े की हाईलाइट्स को आज भी हम सभी डिस्कस करेंगे। तो इस पर ये कहा जा रहा है कि जो फाइनेंशियल पैनल ने वार्न किया हुआ है कि जो जीएसटी ड्यूज है वो स्टेट का वो लगातार क्या हो रहा है, राइजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए जीएसटी कुड बलून टू 7 लाख करोड़ बाय 2022, यानी कि जीएसटी का जो ड्यूज है, जो कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को पेड करना है, वो बेसिकली 7 लाख करोड़ तक हो जाएगा इंक्रीज, जो कि कब तक, 2022 तक। तो इसको थोड़ा सा समझने का आप प्रयास करेंगे, लिखा हुआ द गैप बिटवीन जीएसटी सेस, द गैप बिटवीन जीएसटी सेस कलेक्शन एंड द रेवेन्यू शॉर्टफॉल फेस बाय स्टेट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कुड स्नोफॉल टू एनीवेयर बिटवीन 5 लाख करोड़ टू 7 लाख करोड़ बाई 2022 फ्राम द 2.35 लाख करोड़ एस्टिमेटेड फॉर दिस ईयर। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिए, कहा जा रहा है कि जब जीएसटी 2017 में लागू हुई, 2017 में जब जीएसटी लागू हुई तो उसने क्या किया, जो टैक्स को निर्धारित करने की जो क्षमता थी वो स्टेट के माध्यम से अब आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया, एक कर पूरे देश में लागू किया। अब देखिए इससे क्या होता है, जो स्टेट को होने वाले रेवेन्यू का जो घाटा था उसको भरने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रतिबद्धित थी और उसने कहा कि जो भी आपका कंपनसेट होगा वो हम बेसिकली कंपनसेट करेंगे, यानी कि अगर आपका जो भी रेवेन्यू में फॉलिंग होगी उसको हम लोग कंपनसेशन के माध्यम से भरेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, लेकिन उसके बाद जब कंपनसेशन को भरा नहीं जा सका तो कोविड-19 के अंतर्गत हम जानते हैं कि जो इकोनॉमिक्स व्यवस्था बहुत जर्जर हो गई, जिसके कारण जो सिस्टम था कंपनसेट करने का वो भी एक्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत निरस्त हो गया और वो भी लगभग 3 लाख करोड़ का इस साल का जो अनुमानित तो वो सिस्टम था, रेवेन्यू था, कंपनसेशन था, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को फिल करनी थी, लेकिन उसमें लगभग 65,000 करोड़, कितना 65,000 करोड़ रुपये लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को फिल कर लिया है, जबकि उसमें अभी भी 2.35 लाख करोड़ का शेष मतलब एस्टिमेट अभी बेसिकली बचा हुआ है। लगभग 2.35 लाख करोड़ रुपए का कंपनसेशन अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को फिल करना है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने एक बड़ी समस्या आगे खड़ी होती है, तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, कहता है ठीक है हम इसको फिल करने का प्रयास करेंगे, आप चाहे तो RBI से डायरेक्ट लोन लेके अपने कोई भी कार्य है तो उसको आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक स्पेशल विंडो हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इस पे भी कुछ स्टेट नाराजगी जताते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहता है कि ठीक है हम खुद ही आपको लोन बैक टू बैक लोन लेके आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद सेस की बात अगर करें, सेस और जो सरचार्ज की, तो उस कंपनसेशन को भरने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है कि सिंटेक्स और डीमेरिट जो थिंग्स हैं इन सब पे सिंटेक्स लगाता है। देखिए सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, सिंटेक्स का मतलब जैसे पान, गुटखा, मसाला और जो भी ये सब चीज़ें होती हैं इन सबको सिंटेक्स कहा जाता है, सिन गुड्स कहा जाता है, और इस पे जो टैक्स लगता है उसको सिन गुड्स कहा जाता है। तो सिन गुड्स की अगर बात करें बेसिकली तो इस पे सेस लगाया गया, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स, क्या लगाया गया, टैक्स ऑन टैक्स। अब इस पे इससे जो टैक्स का कलेक्शन हो रहा था उससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट करने में उसको मदद मिलेगी। तो चूंकि पूरी तरह जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुका हुआ है तो वो भी नहीं कलेक्शन अच्छे से हो पा रहा है, तो उसी संदर्भ में ये कंसर्न जताई गई है कि जो इस साल का जो कंपनसेशन है 2.35 लाख करोड़ का वो इस साल तो इतना है, लेकिन जल्द ही 2022 तक यानी अगले ही 2 सालों में 1.5 सालों में ये कंपनसेशन है 5 लाख से बढ़ के लगभग 5 से 7 लाख करोड़ रुपए तक हो जाएगा, यानी कि जो कंपनसेशन है 2.3 लाख करोड़ का इस साल का वो अगले ही 1.5 सालों में यानी कि 2022 तक 5 से 7 लाख करोड़ रुपए बढ़ के हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब इस पूरे आर्टिकल में दिखा हुआ है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट आर्टिकल को। इस आर्टिकल की बात करें फ्रेंड्स तो एलमोनी गाइडलाइंस, इस पर कल भी आर्टिकल आ चुके हैं, जो वैवाहिक संबंधी नीतियाँ हैं उस पर बेसिकली बातें की जा रही है। तो अर्ली इन्फोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस लॉ इज मस्ट टू प्रोटेक्ट डिपेंडेंट वुमेन। तो देखिए जैसे मान लीजिए किसी वुमेन्स की अगर किसी शादी हुई है, इसके कई सारे फैक्टर्स हैं इसको अपडेट करके तैयार कर सकते हैं। तो जैसे वुमेन्स की शादी हुई और शादी होने के बाद पति से मतलब कि उसका कोई समस्या होती है तो वो उसको डाइवोर्स करता है और इसके बाद वो क्या हो जाती है, अकेली हो जाती है, लेकिन वो डिपेंडेंट थी किस पे, अपने हस्बैंड पे। लेकिन जब उसके द्वारा मतलब कि उसको डाइवोर्स कर दिया जाता है तो वो पत्नी अगर उस पर क्लेम करती है, कोर्ट में उसको रिट दायर करती है
या मतलब उसके प्रति, तो वो कोर्ट क्या कहता है कि आप इसको मेंटेनेंस खर्च प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि जो हस्बैंड है उसको मेंटेनेंस खर्च प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अब उसी के बारे में बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में बातें कही जा रही है। तो इस पर कल भी आर्टिकल आए थे और आज हम कुछ थोड़े तरीके की हाईलाइट समझेंगे कि जो वुमेंस को जो हक है उसके प्रति याचिका दायर करने की, मतलब कंप्लेन करने की, वो कुछ प्रमुख आर्टिकल्स के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो लिखा हुआ है कि द कोर्ट लेड डाउन दैट वाइल वुमेन कैन मेक क्लेम फॉर एलिमनी अंडर डिफरेंट लॉ, तो जो वुमेन्स है वो कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के लॉ के अंतर्गत वो मेंटेनेंस खर्च ले सकती है। जैसे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, तो जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस जो घरेलू हिंसा है उसके अंतर्गत 2005 का रिजल्ट है उसके अंतर्गत वो कर सकती हैं। सेक्शन 125 ऑफ CRPC है आर अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 या फिर जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, इसके अंतर्गत वो क्लेम कर सकती हैं और अपने मेंटेनेंस खर्च को अपने हस्बैंड से ले सकती है। तो ये बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में बातें कही जा रही है। देखते हैं फ्रेंड आज की द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन है वो है राइट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन LIC अबाउट 100 वर्ड्स। आप सभी लोग LIC पे 100 वर्ड्स में इसके सभी एक की हाईलाइट्स को लिखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप ये सेशन आप सभी के लिए होप हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के सेशन में इतना ही उम्मीद है फ्रेंड्स आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप सभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।